आज हम एक नया इफेक्ट करेंगे, 3D इफेक्ट, जिसका नाम है 3D इफेक्ट। 3D इफेक्ट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपने फाइल में जाना है और यहाँ पे न्यू पे प्रेस करना है। न्यू पे प्रेस करने के बाद एक शीट लेनी है 1024x768, और यहाँ पे मोड के अंदर RGB कलर रखना है, कंटेंट में वाइट रखना है। फाइनली ओके करोगे, ये शीट आ जाएगी आपके सामने। और यहाँ से ग्रेडियंट पे प्रेस करोगे, सबसे पहला ऑप्शन आपने क्या करना है, ग्रेडियंट पे प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपने लीनियर ग्रेडियंट पे फर्स्ट वाला ऑप्शन प्रेस करना है। और यहाँ पे ध्यान रहे कि आपका लीनियर ग्रेडियंट पे जैसे प्रेस करोगे यहाँ पे ग्रेडियंट में वाइट सा आना चाहिए, और वाइट एंड ब्लैक कलर होने चाहिए आपके, ब्लैक और वाइट कलर होने चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। और ओपेसिटी इसकी नन कर ले, ओपेसिटी 25 कर लेना, 25-26 कर लोगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। और इसको इस तरह से पकड़ के ऊपर की साइड ड्रैग कर देना, इस तरह का कलर आ जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट, लेयर लेनी है इसके बाद, बैकग्राउंड में ये ग्रेडियंट डल जाएगा। डलने के बाद आपने क्या करना है, एक लेयर लेनी है, लेयर ले लेनी है, लेयर बॉक्स ले लिया। फिर आपने फिल्टर पे जाना है, फिल्टर पे प्रेस करोगे तो यहाँ पे आ रहा होगा आपका रेंडर। रेंडर वाले ऑप्शंस के अंदर जाना है, रेंडर वाले ऑप्शन के अंदर 3D ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल करना है। जैसे ये विंडो आएगी आपके सामने, इस विंडो के अंदर आपने शेप्स को प्रेस करना है, क्यूब टूल को लेना है आपने। इस शेप्स जो ये क्यूब टूल है आपने इसे लेना है, उसे ड्रॉ कर लेना है सेंटर में, कोशिश करनी चाहिए सेंटर में ड्रॉ हो और कुछ इस तरह से। और इसके नीचे आती है ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल से क्या करना है आपने इसको रोटेट कर लेना, ऐसे रोटेट करना है, सेंटर में रखना है इसकी लाइन के, और इसको नीचे की साइड वन बाय वन क्लिक करके मूव करते रहोगे, क्लिक छूटेगा फिर क्लिक पकड़ लेना, फिर आपने ड्रैग करना है। और इसका ऊपर वाला फेस आपको दिखाई देना चाहिए प्रॉपर तरीके से, ध्यान रहे, ठीक है। जब ये दिखाई देने लगे तो आपने यहाँ से पकड़ना है कैमरे को, पेन कैमरे को, और इसको उठा के सेंटर में रख देना है, और फाइनली ओके। जब ओके करोगे तो कुछ इस तरह की बॉल आ जाएगी, इस तरह का क्यूब बन के आपके सामने आ जाएगा। आप इसे सेंटर में रख लो। सेंटर में रखने के बाद कोई भी आपने इमेज खोल ली है, आपके 3 फेसेस दिख रहे हैं, एक अपर साइड दिख रहा है, राइट साइड, एक लेफ्ट साइड दिख रहा है, तो आपने कोई भी इमेज खोलनी है। इमेज खोलने के लिए क्या कर सकते हो, या तो आप फाइल में जाओगे, ओपन करना है हमने कोई इमेज को। मैं यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ, ये इमेज ले ली मैंने, साउथ की हीरोइन है। मैंने इसको क्या करा है, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर लिया है, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट इस पर क्लिक रखा हुआ है, कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद इस पर प्रेस करूँगा, कंट्रोल वी से पेस्ट। जब ये कर दिया है हमने तो कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करना है। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करने के बाद आप इसको एक साइड से छोटा कर लोगे। मैं चाहता हूँ कि चारों साइड से छोटा हो जाए, तो ऑल्ट दबाऊंगा तो ये चारों साइड से छोटी हो जाएगी। छोटे होने पर ये क्यूब बहुत छोटा सा लग रहा है। अगर आपको ये क्यूब छोटा लग रहा है तो आप इस क्यूब को क्या करो, लेयर वन पे क्लिक करके कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके आप इसे बड़ा भी कर सकते हो अपने हिसाब से, इस तरह से। जब ये बड़ा हो जाएगा एंटर कर दो। अब मुझे इस पिक्चर को पिक्चर पे प्रेस करना है, लेयर टू पे पिक्चर है, और इसको ले जाके साइड में चिपकाना है। अब चिपकाना कैसे है, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, याद रहे, ट्रांसफॉर्म नहीं होगा तो ये मूव नहीं करेगा। अब इनके कॉर्नर देख रहे हो, पिक्चर का जो भी कॉर्नर आ रहा है, इस कॉर्नर को क्या करना है आपने, मूव करना है, कंट्रोल के साथ कंट्रोल होल्ड करके रखना है, एक कॉर्नर पे प्रेस करना है और क्यूब के कॉर्नर के साथ मिलाना है। ये क्यूब का एक कॉर्नर और ये क्यूब का दूसरा कॉर्नर, याद रहे, ये क्यूब का दूसरा कॉर्नर है, इससे मिला देना है इस तरह से, ठीक है। और कंट्रोल के साथ क्लिक रहना चाहिए आपका, ये देखो इस मुझे इस कॉर्नर के साथ मिला दिया मैंने, और इसको कंट्रोल होल्ड करके रखना, कंट्रोल नहीं छोड़ना है, लेफ्ट क्लिक दबा के इसको मूव करके लेके जाओगे। जैसे कि ये कॉर्नर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अब मैं इस कॉर्नर से इसको चिपका दूंगा, ये देखो ये थोड़ा सा अभी है इसमें, तो मैं इसको पकड़ूंगा और इसको इस तरह से चिपका देता हूँ, ठीक है। ये वन साइड हो गई। ऐसे ही आपने क्या करना है, एक इमेज और लेनी है, फाइल में जाना है, ओपन करना है। ओपन के लिए मैं दूसरी इमेज ले लेता हूँ, ये वाली, और ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी करना है आपने, और यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, इसके टाइटल बार पे कंट्रोल वी से पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद एक और शॉर्टकट है ट्रांसफॉर्म की, कंट्रोल टी, और इसे साइड से इसे साइड में करोगे। ऑल्ट दबाने के बाद आपने इसे आराम से छोटा कर लेना है साइड में, और ऑल्ट छोड़ देना है, फिर इसको सेंटर में लेके आओगे,
फिर होल्ड दबाना है और होल्ड दबा के अगर छोटा करोगे तो बड़ी जल्दी छोटी हो जाएगी पिक्चर। ये देखो बहुत बढ़िया, और इसको सेंटर से मैं छोटा कर लेता हूँ, ये आपकी छोटी हो गई। ठीक है, अब इसके सारे कॉर्नर्स को ऑल्ट के साथ मैंने सेट कर लिया। अब इसके सारे कॉर्नर्स को कंट्रोल के साथ सेट करना है, क्यूब के साथ कंट्रोल दबा लिया और ये फर्स्ट कॉर्नर मैंने सेट कर दिया। ये आपका ये वाला कॉर्नर भी मैंने सेट कर दिया, मेनली इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ सेट कर दिया, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ सेट कर दिया और इस कॉर्नर को पकड़ा और इसको ऐसे सेट कर दिया। आपको लग ही रहा होगा ये 3D लगने लगा है। और फिर से एक और पिक्चर ले लेते हैं, फाइल्स के अंदर जाते हैं, ओपन करते हैं। ओपन में मैं अब ले लेता हूँ अल्लू अर्जुन की एक फ़ोटोज़ को ले लेता हूँ और ओके करता हूँ। और इसको क्या करा मैंने, कंट्रोल ए से कॉपी, कंट्रोल सी से, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी और देन कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म। ये तो कुछ ऐसी शेप की लगने लग गया है। ओहो, ऑल्ट के साथ करना था, ऑल्ट के साथ अगर आप करोगे दोनों साइड से हो जाएगा मूव। ये देखो ये पिक्चर तो इसी कलर की हो गई है, सेम टू सेम। पिक्चर कुछ और भी ले सकते थे, डिफरेंट लगती। मैं इस पिक्चर को हटा देता हूँ क्योंकि सेम ही पिक्चर लग रही है, पीछे का बैकग्राउंड सेम आ रहा है, तो मैं इस पिक्चर को नहीं ले रहा हूँ, मैं इस पिक्चर को डिलीट कर रहा हूँ। आप कोई और सी पिक्चर ले लेना जो बढ़िया सी लगे। मैं इसी पिक्चर को वापसी ले लेता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म। सेम दो बारी लगा रहा हूँ एक पिक्चर को, क्योंकि वो कलरफुल पिक्चर नहीं थी, इस वजह से मैं दो बारी लगा रहा हूँ इसी पिक्चर को। इसको मैंने यहाँ पे सेंटर में लेके आना है और ऑल्ट दबाना है आपने, ऑल्ट दबाने के कंट्रोल दबाना है, कंट्रोल दबाने के बाद एक एक डॉट को एक एक डॉट से मिला देना है। जैसे कि मैंने इस डॉट को पकड़ा, इस डॉट से मिला दिया और इस डॉट को पकड़ा, इस डॉट से मिला दिया और इस डॉट से पकड़ा, कंट्रोल के साथ आपने ये सारे के सारे मिला देना है। इस डॉट को पकड़ के इस डॉट के साथ और इस डॉट को पकड़ के इस डॉट के साथ और इस डॉट को पकड़ के इस डॉट के साथ मिला दिया। ये थोड़ा सा अभी एडजस्ट नहीं हुआ पूरा प्रॉपर तरीके से, तो एडजस्ट कर लो ये ऐसे, और ये वाला ऐसे थोड़ा आगे खींच लो। ठीक है, डन, एंटर करोगे एंटर हो जाएगी। कुछ इस तरह से क्यूब आपका 3D इफेक्ट बन गया। और सभी लेयर को क्या करना है, आपने बैकग्राउंड को छोड़ के इन तीनों को आपस में मर्ज कर लेना है कंट्रोल प्लस ई से। मर्ज करने के बाद आप मूव टूल करोगे, ये मूव कर सकते हो। कंट्रोल जे से लेयर की कॉपी हो जाएगी, कॉपी करने के बाद कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, एक और आप बना के बाहर कर सकते हो इसको। एंटर करोगे, कंट्रोल जे से लेयर की कॉपी हो जाएगी, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म कर पाओगे और इसको छोटा करके आप सेंटर में यहाँ पे रख दो। ठीक है, ये आपका इफेक्ट खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।